अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में एंड डाइजेशन के बारे में। सिनोप्सिस की यहाँ पर बात करें हम तो इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रिक डाइजेशन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन डिफरेंस। हम इंट्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर तो डाइजेशन प्रोसेस का अर्थ है कि मछली के शरीर के रख रखाव, ग्रोथ तथा एनर्जी की आवश्यकता पूरी करने के लिए आहार नाल द्वारा पोषक पदार्थों का पाचन एवं अवशोषण भोज्य पदार्थों का पाचन आहार नाल में होता है, परंतु यह क्रिया मुंह में भोजन को काटने एवं चबाने से शुरू हो जाती है और विभिन्न पाचन स्रावर जिसमें आंत जो है हेपेटो पैंक्रियाज तथा पित्ताशय के एंजाइम आते हैं। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें हम यहाँ पर तो आहार नाल के मुख्य निम्न भाग होते हैं। पहला है टीथ। मछलियों में टीथ डेंटाइन के होलो बोन्स होते हैं और साथ में पल्प कैविटी होती है। टीथ स्पेशलाइज्ड डेंटिकल्स के रूप में जबड़ों पर जो है कंटिन्यूशन में लगे होते हैं। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों में दांतों का जुड़ाव अलग अलग होता है। यहाँ पे हम टंग की बात करें तो मछलियों की जीभ मुख्य गुहा निचली सतह से उभरी हुई होती है और मुड़ी हुई होती है। ये पेशी रहित होती हैं एवं हायोइड आर्क से जुड़ी होती है। इसके साथ ही इसमें स्मॉल जो है पेपिली संवेदग्राही और दांत पाए जाते हैं। मक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स की हम बात करें यहाँ पे तो मुख गुहा और ग्रसनी दीवार पर गिल स्लिट्स में कई जो हैं प्रोफेशन में पाए जाते हैं। ग्रसनी में खुलते समय गिल ट्रैकर्स इंजेशंस में सहायता करते हैं तथा ग्रसनी को सहायता करते हैं। इस प्रकार ग्रसनी पाचन के लिए अपितु शोषण के लिए भी होते हैं। चौथे नंबर की हम बात करें यहाँ पे टेस्ट बट्स एवं एंड म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स। तो टेस्ट बट फिश के लिप्स और बक्कल फेरेंस जो बक्को फेरेंस में पाई जाती है, जैसे कतला जो है पुतिन्स सफोर टोरेटोर ईटीसी। परंतु कुछ मछलियाँ यह कम होती है, जैसे कि वो है चन्ना स्टेरिटस गाचुआ मिस्टर्स ईटीसी। परंतु मछलियों में अनुपस्थिति होती है म्यूकस जो है सेक्रेटिंग सेल्स बोनीफिशेस के बक्को फेरिंग्स में पाई जाती हैं जो ज़्यादा मात्रा में मस्कस स्त्रावित करती हैं। पांचवा है इसोफेगस। फेरिंग्स इसोफेगस स्टमक एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। इसोफेगस जो है लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड से बना होता है। इसकी जो है म्यूकोसा लाइनिंग बड़ी जो है स्क्विमस सेल से बनी होती है। स्टमक की हम यहाँ पे बात करें तो मछलियों में अमाशय विभिन्न आकृति में पाए जाते हैं। सामान्यतः अमाशय दो भागों में बंटा होता है। पहला है बोर्ड एंटीरियर पार्ट जो हार्ट के पास होता है, उसे कार्डियक स्टमक कहते हैं, और पोस्टेरियर पार्ट नैरो होता है जिसे फाइलोरिक स्टमक कहते हैं। छठवां नंबर जो है इंटेस्टाइन। यहाँ पे इंटेस्टाइन की हम बात करें तो इंटेस्टाइन जो है गैस्ट्रिक ट्रैक्ट और स्टमक इंटेस्टाइन बनाते हैं, जिसमें इसके दो भाग होते हैं, इंटीरियर एंड हॉरेवर पार्ट जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन तथा पोस्टेरियर शॉर्ट पर बॉर्डर पार्ट जिसे बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत का वह भाग जो ठीक अमाशय के पीछे होता है और यकृत से डक्ट्स और अग्नाशय से जुड़ा रहता है, उसे ड्यूडेनियम कहलाता है। सातवां नंबर जो है
पाइलोरिक कोइका। कई मछलियों में पाइलोरिक कोइका जो है केइका जो है ठीक फ्लोरियस के पीछे होता है। ये केइका ब्लाइंड ट्यूबुलर और कई अन्य कार्यों के लिए सैक और डाइवर्टिकुलस होते हैं। इसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है और विभिन्न मछलियों में भिन्न संख्याओं में पाए जाते हैं। इनका कार्य सहायक भोजन संग्रहण का है। रेक्टम एक्सटर्नली अलग दिखाई नहीं देता है परंतु इंटेस्टाइन में लियोर रेक्टल वाल्व से अलग दिखाई देता है। उदाहरण टेट्राओडर्म म्यूरोनियो सैक इटीसी। हिस्टोलॉजिकल रेक्टम को जो है म्यूकोशल फोल्ड इंटेस्टाइन से अलग होते हैं। गैस्ट्रिक डाइजेशन की हम बात करें यहाँ पे तो एसिडिटी एलेस्मोब्रैंक आमाशय की अम्लता स्पष्ट होती है तथा मुक्त एवं कुल अम्ल की मात्रा 0.6% तथा 1% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बराबर होती है। भोजन की पूर्ण अनुपस्थिति में भी अम्ल उत्पन्न होता रहता है। इससे मछली मर नहीं पाती है। अगर भूखी मछली को खाना दिया जाता है तो अम्लता का एक बढ़ती है। पेप्सिन की हम यहाँ पे बात करें तो गैस्ट्रिक तैयारी से प्राप्त परिणाम स्पष्ट बताते हैं कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में एक पेप्टिक एंजाइम क्रियाशील है। इसके लिए उपयुक्त पीएच हेरिंग में 2.5 से 2.8 है। पर्च के लिए 1.65 से 1.8 प्लोरोनेक्टस के लिए 1.5 से 2.5 जिसकी तुलना में एकेंथिस जो है इसॉक्स मेडक्स ट्रे स्टूडो तथा सुअर से के लिए 2 pH है। अदर गैस्ट्रिक एंजाइम की हम बात करें यहाँ पे तो अदर गैस्ट्रिक एंजाइम की बात करें हम तो सिलेचियन मछलियों में एमाइलेज की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। टिलियोस्ट मछलियों में भी हल्की एमाइलोक्लेस्टिक सक्रियता पाई गई है परंतु पाचन के लिए इसे बहुत कम माना गया है। इसके साथ ही जो है बिलेची के आमाशय में ट्रिप्टिक सक्रियता तथा कॉट में कायोसिन की उपस्थिति पाई गई है। यह बिलेची बी वा स्टमक लेस फिश। उपयुक्त विवरण समानता आमाशय की संरचना दर्शाते हैं परंतु कई विवरण ऐसे भी हैं जो मछलियों में आमाशय की अनुपस्थिति दर्शाते हैं म्यूजिल सिफेलिस के आमाशय में गैस्ट्रिक ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं परंतु गिजट के समान पाइलोरिक हिस्सा उपस्थित होता है। इससे उत्पन्न होने वाले एंजाइम है ट्रिप्सोनोजन एमाइलेज ग्लाइकोजनेज माल्टेज इन्वर्टेज परंतु लाइपेज तथा इरेप्सिन अनुपस्थित होते हैं। कई मछलियों में आमाशय पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। यहाँ पे हम डाइजेशन इंटेस्टाइन की बात करें तो पीएच पाचन के दौरान आहार नाल में जो पीएच होता है वह आहार नाल में उपस्थित खाद्य पदार्थों का पैंक्रियाज लीवर तथा आंत के स्त्रावण की आपस में प्रतिक्रिया का परिणाम होता है तथा समानता यह उदासीन होता है तथा कई बार कुछ क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाता है। प्लोरोनेक्टस प्लेटेसा की आहार नाल वस्तुएं जो कि साफ द्रव पदार्थ जिसमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ एवं भोज्य पदार्थ उपस्थित होते हैं निश्चित रूप से क्षारीय होती है। इसका पीएच मूल्य 7.43 से 8.65 के बीच होता है। कार्यों की आंत का पीएच क्षारीय अथवा थोड़ा सा अम्लीय होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम भोजन का पाचन पाचक एंजाइमों की क्रिया द्वारा होता है। पाचक एंजाइम किसी विशेष पीएच पर क्रियाशील होता है तथा उनके लिए एक उपयुक्त तापमान भी आवश्यक होता है।
मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के पाचक एंजाइम के बहुत अंतर नहीं होता है। एमाइलेज केवल शाकाहारी मछलियों में नहीं बल्कि मांसाहारी मछलियों में भी पाए जाते हैं। एंजाइम की मात्रा भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। प्रोटीएज की बात करें तो प्रोटीन का जल अपहरण करने वाले सभी एंजाइम एक दूसरे प्रोटीएजेस में आते हैं। भोज्य पदार्थों के प्रोटीन का पाचन इन एंजाइम की प्रोटीन का जल अपहरण करके पचने योग्य पेप्टाइड अथवा अमाइनो एसिड बनाने की क्षमता पर निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज की हम बात करें यहाँ पे तो शर्कराओं का जल अपघटन एंजाइम शर्कराओं का जल अपघटन एंजाइम के एक समूह एमाइलेजेस अथवा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। मछलियों के कार्बोहाइड्रेट संबंधित अनुसंधान मुख्यतः अमाइलो कैस्टिक्स कृत्रिम तक ही सीमित है जो इलेस्मोब्रैंक मछलियों राजा एवं साइलियम के पैनक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट में पाई जाती है। इन मछलियों में यह मछलियां के कोशा में इनकी उपस्थिति नहीं देखी गई है। लाइपेज की हम बात करें यहाँ पे तो वसाओं तथा वसी अम्लों का जल अपघटन लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। प्रोटीएजेस तथा कार्बोहाइड्रेट विशेष रासायनिक क्रियाओं में विशेष परिस्थितियों में ही भाग लेते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि किसी विशेष पदार्थ जल अपघटन के लिए विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है। रेफरेंस की हम बात करें यहाँ पे तो फिश एंड फिशरीज बुक बाय डॉक्टर पीयूष शमी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।